8th question. Find the sum of first 51 term. That means आपको सम निकालना है 51 term का. और whose of an AP, whose जिसकी second term and third term are 14 and 18 है. ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है. जैसे आपको पता है कि सेकंड टर्म दैट मींस A2 आपके पास है 14 और थर्ड टर्म A3 आपके पास है 18. A2 का मतलब क्या होता है? A2 इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इनटू D. ठीक है, तो A प्लस N क्या है यहाँ पर 2 माइनस 1 इनटू D. दैट मींस A प्लस डी. A2 की वैल्यू क्या आपके पास 14. ये होगी इक्वेशन फर्स्ट. सेम ऐसे ही A3 क्या होता है? A प्लस 2D. और A3 की वैल्यू क्या आपके पास 18. A प्लस 2D. ये दो इक्वेशन आपको मिल गए. यहां से निकालो आप डी ए की वैल्यू. ए क्या है? 14 माइनस डी. ठीक है, ए इज इक्वल टू 14 माइनस डी पुट इन इक्वेशन सेकेंड. ठीक है, ए की वैल्यू आपने निकाल दी 14 माइनस डी और उसको पुट कर दिया सेकेंड इक्वेशन में. 18 ए की वैल्यू क्या है? 14 माइनस D प्लस 2D. 2D एज इट इज ये लिख दिया यहाँ पर. और A की जगह लिख दिया 14 माइनस D. 14 इधर आ गया, माइनस का हो जाएगा. 18 माइनस 14 इज इक्वल टू, और ये क्या है? 2D. ये D माइनस का है, माइनस D प्लस 2D. 2D में से 1D गया तो बच गया D. 18 माइनस 14 तो 4. तो आपकी जो D की वैल्यू आ गई है 4. इसमें ना आपको A की वैल्यू गिवन थी इस क्वेश्चन में, ना आपको D की वैल्यू. पहले आपने D की निकाल ली और ये पुट कर देंगे इसमें. D इज इक्वल टू 4 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट. फर्स्ट इक्वेशन से हमें क्या मिला था? D की वैल्यू, वो A की वैल्यू. A इज इक्वल टू 14 माइनस D. 14 माइनस 4 दैट मीन्स मिल गया आपको 10. 14 माइनस 4 आपके पास आ गया 10. A की वैल्यू आ गई आपके पास 10. D आपके पास आ गया 4. और निकालनी किसकी आपको वैल्यू? S51 दैट मीन्स N की वैल्यू आपके पास है 51. टोटल टर्म है आपके पास 51. तो Sn का फॉर्मूला लगा दो. Sn इज इक्वल टू n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d. S51 इज इक्वल टू 51 बाय 2 इंटू 2a. a की वैल्यू आपके पास 10 प्लस n क्या 51 माइनस 1. d की वैल्यू आपके पास है 4. 51 बाय 2 इंटू 2a तो ये आपके पास है 20 प्लस 50 इंटू 4. 51 माइनस 1 50, तो ये है 51 डिवाइड बाय 2 इंटू 20 प्लस 200. 14 फोर जा 200, तो आपका आ गया 51 डिवाइड बाय 2 इंटू 2 0. 200 में 20 प्लस कर दिया 222. कैंसिल आउट हो गया 2 1 2 2 1 2 2 0 0. तो आपको 51 इंटू 110 जीरो की जीरो 11 1 11 11 5 55 और 1 60 56. तो S51 की वैल्यू आपके पास आ गई है 5 6 1 0. ठीक है, इसमें क्या था आपको? पहले तो A2 और A3 की वैल्यू गिवन थी.
ठीक है। उसके बाद क्या किया आपने, उसको इक्वेशन की फॉर्म में चेंज कर दिया। यहाँ पर a2 आपका कंप्लीट सॉल्व करके लिखा हुआ, यहाँ पर डायरेक्ट आप a2 को ऐसे भी लिख सकते हो, a इज इक्वल टू a प्लस d, डायरेक्ट भी है। ये कैसे आया वो ये बता दिया था यहाँ पर, और इसको इक्वेशन की फॉर्म में, यहाँ से d की फॉर्म में a की वैल्यू निकाल ली और वो आपकी इक्वेशन सेकंड में पुट कर दी। उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ से आपको d की वैल्यू मिल गई, यहाँ से d की वैल्यू पुट करने के बाद a की वैल्यू भी आपकी निकल के आ गई और वो SN के फॉर्मूले में रख दिया। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन 8 एक्सरसाइज 5.3।